हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मैथ विद विनोद। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और फोकस्ड होकर अपनी तैयारी कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम टाइम एंड वर्क का चैप्टर शुरू कर चुके हैं। इसकी एक वीडियो पहले हमने पब्लिश कर दी है, जिसके अंदर हमने इस चैप्टर के बेसिक कंसेप्ट को समझा था। तो जो सीधे इस वीडियो पे आए हैं और या फिर यूट्यूब के इस चैनल पर पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो से पहले पीछे वाली वीडियो को जरूर देख लें, क्योंकि बिना बेसिक कंसेप्ट के आप इन क्वेश्चन को समझ नहीं पाएंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है भाई, और इन सभी क्वेश्चन की पीडीएफ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन से मिल जाएंगी। तो क्वेश्चन देखते हैं भाई। ए किसी काम के 66.66% भाग को 4 दिन में करता है, बी उसी काम के 60% भाग को 6 दिन में करता है, तो वे दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। ऐसे क्वेश्चन भाई बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम और एसएससी में भी बहुत बार आए भाई। तो समझे कैसे करना है, इनको बहुत ही आसान ट्रिक है, बहुत ही आसान तरीका है भाई। उन्होंने क्या दे रखा है, टाइम दे रखा है भाई ए के लिए और बी के लिए। 66 सही 2/3 भाग को कितने दिन में करता है भाई, 4 दिन में करता है, और 66 सही 2/3 या 66.66% सेम ही होता है, किसने के बराबर होता है भाई, 3/2 के। और बी उसी काम के कितने को 60% भाग को, यानी 60% अपना कितना होता है भाई, फ्रैक्शन कितने है, 3/5। जिसने परसेंटेज वाला चैप्टर करना है भाई, तो वो प्लेलिस्ट में जाके परसेंटेज की प्लेलिस्ट से चैप्टर कर सकता है, बहुत अच्छे से करवा रखा है मैंने। अब देखो भाई, ये 60% भाग को कितने दिन में करता है, 6 दिन में। अगर कोई हमें ये बता दे भाई ए पूरे काम को इतने दिन में करता है, बी पूरे काम को इतने दिन में करता है, फिर तो क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा भाई, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन हो जाएगा फिर तो। तो अगर हमें निकालना है कि ए कितने दिन में करता है, तो हमें कुछ नहीं करना भाई, वो 2/3 भाग को बोलो या 66.66% भाग को बोलो कितने दिन में, 4 दिन में करता है, तो इसको उल्टा करके गुणा कर दो भाई। 2/3 है तो इसको 3/2 करके इसके साथ गुणा कर दो, तो ये कितना आ जाएगा, 3 × 2 = 6, मतलब ये हुआ ए पूरे काम को 6 दिन में करता है। इसी प्रकार बी वाले में करेंगे तो उल्टा करके गुणा कर दो भाई, 5/3 हो जाएगा, 3 × 2 = 6, 5 × 2 = 10, यानी कि बी पूरे काम को 10 दिन में करता है। अब ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, अभी यहाँ से हम वर्क निकाल लेंगे, वर्क से कैपेसिटी निकाल लेंगे भी। वर्क क्या होता है, इन दोनों का एलसीएम या फिर कोई भी ऐसा नंबर लिख सकते हैं जो दोनों से भाग होता हो। मेरे को पता है कि 30 है, दोनों से भाग हो जाएगा, 6 × 5 = 30 और 10 × 3 = 30, यानी कि ए की कैपेसिटी 5 आ गई, बी की कैपेसिटी कितनी आ गई, 3 आ गई। दोनों के लिए टाइम निकालना अभी हमें, तो दोनों ही कैपेसिटी को जोड़ देंगे, कितनी हो जाएगी, ए प्लस बी की कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, 8। जिसके लिए भी टाइम निकालना हो उसकी कैपेसिटी को वर्क से भाग कर देते हैं, फिर टाइम आ जाता है, टाइम क्या आता है, वर्क बटे में कैपेसिटी। वर्क कितना करना उनको, 30, और उनकी कैपेसिटी कितनी है, 8। तो 2 से काटोगे तो ये कितना हो जाएगा, 15, और ये कितना हो जाएगा, 4। आगे सोल्व करोगे तो भाई 4 × 3 = 12, 3/4 दिन, तो कितने दिन लगेंगे, 3 सही 3/4 दिन। ये आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, वैसे क्वेश्चन लिया ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ सके। ए किसी काम के 1/2 भाग को 5 दिन में करता है, बी उसी काम के 3/5 भाग को 9 दिन में करता है, सी उसी काम के 2/3 भाग को 8 दिन में करता है, तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो पहले हमें पता करना पड़ेगा भी जो ए बी और सी है वो पूरे काम को कितने कितने दिन में करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना, 5 दिन में, तो हमें क्या करना, पलट के गुणा कर देना, यानी 2/1 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10, यानी ए पूरे काम को करेगा 10 दिन में। उसी प्रकार से बी कितने दिन में करता है भाई, 9 दिन में करता है, कितना काम करता है, 3/5, तो इसको पलट के गुणा कर देंगे 5/3 से, 3 × 9 = 15, यानी बी उस काम को पूरे काम को करेगा 15 दिन में। उसी प्रकार सी करता है 8 दिन में, कितना काम करता है, 2/3, तो इसको पलट के गुणा करेंगे, 3/2 हो जाएगा, 2 से काटोगे 4 और 4 × 3 = 12। अब सिंपल क्वेश्चन है, यहां से आप लोग वर्क निकाल सकते हैं, इन तीनों का आप यहां पे एलसीएम लिख दो भाई। देखो एलसीएम लिखना ही जरूरी नहीं है, कोई भी ऐसा नंबर लिख सकते हैं आप जिसको तीनों भाग करते हो भाई। अब देखो 60 है इनका एलसीएम, वैसे तो मैं 120 लिख के भी करूंगा तो भी इक्वेशन हो जाएगा भाई। तो कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, 120/10 यानी कि 12, 15 × 8 = 120 और 12 × 9 = 120। अब तीनों ने मिलकर काम करना है तो तीनों की कैपेसिटी की जरूरत पड़ेगी, तो तीनों की कैपेसिटी क्या हो जाएगी, तीनों को जोड़ दो, ये कितना हो जाएगा भाई, 10 × 18 = 18 और 12 कितना हो जाएगा, 30। और हमें कितना काम करना है, 120 काम करना है भाई,
किस कैपेसिटी से करेंगे वो तीनों मिलकर 30 की कैपेसिटी से, तो कितने लगेंगे 3 × 12। तो एक बार आप लोग यहाँ पे 60 लिख के करेंगे तब भी ये क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। अभी अब एलसीएम ही इसलिए लिखते हैं भाई, एलसीएम अगर कोई इसी के दिमाग में आए कि एलसीएम ही क्यों लिखते हैं, अगर आप एलसीएम लिखोगे तो यहाँ पे जो गुणा भाग जो कैलकुलेशन होगी आपकी वो छोटी होगी, और अगर कोई बड़ा नंबर लिख दिया यहीं पर, अगर मैं 1200 लिख देता भी तो भी क्वेश्चन हो जाता, लेकिन आप लोगों की कैलकुलेशन ज्यादा हो जाती। तो इसलिए जितना हो सके कि आप यहाँ पे छोटा नंबर लिखे एलसीएम ही। अगली टाइप आ चुकी है भाई, इसमें क्या होगा कि कभी कभी कोई बंदा 3 दिन या 10 दिन कुछ टाइम बाद काम पर आएगा, कुछ क्वेश्चन में क्या होगा कि काम समाप्त होने से 2-4 दिन पहले, 2 दिन पहले, 10 दिन पहले चला जाएगा। तो ये ऐसी टाइप है भाई, इस टाइप को अच्छे से समझे, इससे बहुत बार क्वेश्चन बनता है। देखिए भाई, ए किसी काम को 12 दिन में और बी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है। यदि बी ए के 3 दिन बाद काम पर आता है तो बचा हुआ कार्य कितने दिन में पूरा होगा। भी पहले से हमें वही बेसिक चीज करनी है जो हर बार करते आए हैं कि ए कितने दिन में कर सकता है, 12 दिन में, बी कितने दिन में कर सकता है, 15 दिन में। ये टाइम हो गया, टाइम से हम निकाल लेंगे वर्क, दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा अभी, और कैपेसिटी कितनी आ जाएगी 12×5=60 और 15×60। अब क्या होगा कि आपको ये बातें जरूर समझनी पड़ेंगी भाई, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है इस टाइप का, कि काम शुरू होता है और जो बी है ए के 3 दिन बाद काम पर आता है, यानी कि ए ने काम शुरू कर दिया, 3 दिन तक ए अकेला काम करता रहा, उसके बाद क्या ए के साथ कौन आ गया, बी भी आ गया। तो जो बचा हुआ कार्य है 3 दिन के बाद वो बताना हमने कितने दिन में पूरा होगा। तो पहले 3 दिन तो ए ही काम करने वाला था, तो पहले 1 दिन में कितने काम करता है, कैपेसिटी क्या होती है, अभी 1 दिन का काम ही होता है, 1 दिन में इतने काम करता है, 1 दिन में कितने काम करता है 5, तो 3 दिन में कितने काम कर देगा, 3×5=15 काम कर देगा। अब 15 काम तो 60 में से हमने कर दिए, तो बाकी कितने बच गए अपने, 60 − 15 यानी 45 काम बाकी है जो हम इस टाइम पीरियड में करेंगे, ये टाइम बताना हमने कितना है। अब जो काम है भाई उसको कौन करेगा, ए तो था ही, बी भी आ गए, तो दोनों मिलके करेंगे, दोनों मिलके कैपेसिटी कितनी हो जाएगी 9। टाइम बताना अभी हमने काम कितना करना बाकी है 45, और दोनों मिलके किस कैपेसिटी से करेंगे 9 की कैपेसिटी से, तो कितना टाइम लगेगा 9×45 5 दिन, यानी कि बचा हुआ काम अपना कितने दिन में खत्म होगा भाई 5 दिन में। अगर इसी क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाता कि पूरा काम कितने दिन में खत्म हुआ, तो 5 दिन तो ये और 3 दिन पहले ए अकेले ने किया, तो 5 और 3 8 दिन, यानी कि पूरा काम पूछे तो आंसर कितना होगा 8 दिन, और अगर पूछे कि बचा हुआ काम कितने दिन में खत्म होगा तो उसके लिए आंसर कितना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, ए किसी काम को 9 दिन में, वह बी उसी काम को 10 दिन में, और सी उस काम को 15 दिन में कर सकता है। यदि बी और सी मिलकर काम शुरू करते हैं और 2 दिन बाद काम छोड़ देते हैं तो बचे हुए काम को ए कितने दिन में करेगा। तो पहले तो हमें वही बेसिक चीज करनी है कि ए बी सी 3 बंदे हैं, उनका टाइम है 9 दिन, 10 दिन और 15 दिन, तो ये टाइम दे रखे, टाइम से वर्क निकाल लेंगे, वर्क क्या होगा इन तीनों का एलसीएम, एलसीएम कितना बनेगा इनका भी 90 बन जाएगा। ठीक है, आप लोग ऐसे ध्यान कर ले भाई, सबसे बड़ा नंबर ले ले 15 को तो 9 भाग नहीं करता ना 10 करता है, तो 15 तो नहीं 30, 30 को 10 कर देगा लेकिन 9 नहीं करेगा, 45, 45 को 10 भाग नहीं करेगा, तो आगे 15 × 60, 60 को 9 नहीं करेगा भाई, तो ऐसे 75 या तो ऐसे चेक कर ले, नहीं तो आपको अगर प्रैक्टिस करेंगे तो डायरेक्ट आइडिया हो ही जाएगा कि एलसीएम क्या आएगा, नहीं तो तीनों की गुणा करके लिख दो उससे भी काम बन जाएगा। तो कैपेसिटी अपनी कितनी आ जाएगी, ए की कैपेसिटी 10 आ जाएगी, बी की कैपेसिटी अपनी कितनी आ जाएगी 9, और सी की कितनी आ जाएगी 90/15, 15×90। ठीक है, अब उन्होंने कहा है कि काम बी और सी ने मिलकर शुरू किया, 2 दिन तक काम किया, उसके बाद छोड़ दिया, बाकी काम आगे किसको करना है, ए को करना है। अब बी और सी मिलकर 1 दिन में कितना काम करेंगे, बी और सी मिलकर 1 दिन में 9×6=15 काम करेंगे, तो 2 दिन में कितना कर देंगे, 2×15 यानी 15×30 काम कर देंगे, तो 90 में से अपना 30 काम तो हो चुका है, तो काम कितना बचे अपना 60। अब ये 60 काम किसको करना है, ए को करना है, ए ने 60 काम करना है, और ए किस कैपेसिटी से काम को करेगा, 10 की कैपेसिटी से, तो कितने दिन लेगा 6 दिन। तो अगर पूछे बचा हुआ काम कितने दिन में होगा तो आंसर कितना होगा 6 दिन। अगर पूछे कि इस तरीके से पूरा काम कितने दिन में होगा भाई, तो 2 दिन पहले लगे थे 6 दिन बाद में लगे, तो पूरा काम कितने दिन में होगा कंप्लीट 8 दिन में, 6 और 2 कितना हो जाएगा अपना 8 दिन आंसर हो जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, ऐसा क्वेश्चन हमने किया भी है, थोड़ा सा मॉडिफाई करके दिया गया है। ए और बी मिलकर काम को 30 दिन में, बी और सी उसी काम को 24 दिन में, व सी और ए उसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं। वे तीनों मिलकर 10 दिन तक काम करते हैं, तो बचा हुआ काम ए कितने दिन में करेगा ये हमें बताना है। तो हमने जोड़ों में दे रखी है भाई, ए प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए। कल वाली वीडियो में जो पहले, मतलब कि जो पहले इससे पहले की वीडियो में ऐसा क्वेश्चन कराया था भी मैंने, ठीक है। ये करते हैं 30 दिन में, ये करते हैं 24 दिन में और ये लोग करते हैं इसको 20 दिन में। तो ये टाइम दे रखा है, यहां से आपको वर्क निकालना है, वर्क से आप लोगों की कैपेसिटी आ जाएगी। इन तीनों का एलसीएम कितना आ जाएगा अभी 120 आ जाएगा। प्रैक्टिस के साथ आप लोग डायरेक्ट एलसीएम पता करना सीख जाएंगे अभी। तो 30 चौके 120, तो ए प्लस बी की कैपेसिटी 4 आ गई, 24 पंजे 120, तो बी प्लस सी की कैपेसिटी अपनी कितनी आएगी 9 और बी छिके 120 ये कितनी आएगी 6। ये तो अपने पास आ गई कैपेसिटी भाई। अगर हमें पता करना है भाई, अब उन्होंने कहा कि तीनों मिलकर काम शुरू करते हैं और 10 दिन तक काम करते हैं, तो तीनों मिलकर 10 दिन में कितना काम करेंगे ये बताने के लिए हमें क्या चाहिएगा भाई, ए प्लस बी प्लस सी की कैपेसिटी चाहिएगी। तो यहां से निकाल सकते हैं कि अगर मैं तीनों को जोड़ दूं तो ए और ए दो ए, बी और बी दो बी, सी और सी दो सी, तो दो मैंने कॉमन ले लिया, दो इंटू में ए प्लस बी प्लस सी कितना आ जाएगा अपना, इनको भी जोड़ देंगे, 6 4 10 5 15, तो 15 आ जाएगा। तो ए प्लस बी प्लस सी की कैपेसिटी कितनी आ जाएगी, दो इस साइड आके डिवाइड में हो जाएगा, यानी 15/2 आ जाएगी। अब एक दिन में तीनों मिलके 15/2 काम करते हैं, तो 10 दिन में कितना करेंगे, 10 × 15/2। अब 2 से काटोगे तो कितना आ जाएगा 5, 15 × 5 = 75, यानी इन्होंने 10 दिन में कितना काम कर दिया, 75 काम तो कर दिया। अब 75 काम कर दिया तो बाकी काम कितना बच गया भाई अपना, 45 काम बच गया। अब बाकी काम को इन्होंने किससे करवाया है, ए से, तो ए को काम करना है कितना भी 45, और ए की कैपेसिटी कितनी अभी अपनी, ए की कैपेसिटी है अपनी, अब ए की कैपेसिटी हमें नहीं पता, जोड़ों में पता भी, तो ए की निकाल लेंगे। तीनों की कैपेसिटी कितनी थी 15/2, तो इसमें से अगर मैं बी और सी की कैपेसिटी को माइनस कर दूं भाई, तो हमें किसकी कैपेसिटी मिल जाएगी, ए की। तो माइनस करेंगे बी और सी की कैपेसिटी कितनी थी अपनी 5, तो ए की कैपेसिटी कितनी आ जाएगी, बी से बी कट जाएगा, सी से सी कट जाएगा, आ जाएगा 15/2 माइनस के 5। एलसीएम लोगे तो नीचे कितना आ जाएगा 2, और ये 15 माइनस के 5 × 2 = 10, यानी कि ए की कैपेसिटी कितनी आ जाएगी 5/2। अब 45 काम करना है, किस कैपेसिटी से करेगा, 5/2 की कैपेसिटी से करेगा, तो 45/5 ये पलट के कितना जाएगा 2/5, ये ना 5 × 45 और ये कितना जाएगा 9 × 18, तो आंसर कितना हो गया 18 दिन। इसमें पूछा था ए कितने दिन में करेगा, ऐसे ही अगर वो पूछ लेता है बी कितने दिन में करेगा, तो हम तीनों की कैपेसिटी में से बी की कैपेसिटी निकालनी है, तो हम किसकी कैपेसिटी घटा देंगे अभी, सी प्लस ए की। बी के लिए निकाल के दिखा देता हूं, तीनों की कैपेसिटी का हमें पता है कितनी 15/2 आई है। बी अगर बी को बाकी बचा हुआ काम करना है, तो बी की कैपेसिटी हमें चाहिएगी, बी की कैपेसिटी निकालनी है, तो हम इसमें से ए प्लस सी की कैपेसिटी माइनस कर देंगे भी। ए प्लस सी की कैपेसिटी कितनी है 6 है, तो इसमें से माइनस कर देंगे भी, तो माइनस का ए प्लस का ए कट जाएगा, प्लस का सी माइनस का सी कट जाएगा, बी की कैपेसिटी कितनी आ जाएगी 15/2 माइनस के 6, एलसीएम कितना आ जाएगा 2, और ये 15 और 6 × 12 हो जाएगा, तो 3/2 आ जाएगी। अब कितना काम करना है बी को, 45 काम करना है, किस कैपेसिटी से करेगा 3/2 से, ये पलट के कितना हो जाएगा अपना 2/3, ये हो जाएगा 15 × 3 = 45 और 15 × 2 = 30। अगर बी को बचा हुआ काम करना तो वो कितने दिन में करता है, 30 दिन में। इसी प्रकार से आप सी के लिए भी निकाल सकते हैं, वो आप खुद। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, जिसको जरूर समझे। किसी काम को ए 12 दिन में वह बी 15 दिन में कर सकता है, वे दोनों मिलकर काम शुरू करते हैं और 2 दिन बाद काम बी काम छोड़ देता है, बी चले जाने के 1 दिन बाद सी आ जाता है, तथा ए और सी मिलकर बाकी काम को 5 दिन में पूरा करते हैं, तो सी पूरे काम को अकेले कितने दिन में करेगा ये हमें बताना है भाई। तो पहले तो वही काम है, ए बी, ए कर सकता है 12 दिन में, बी कर सकता है 15 दिन में, टाइम है, टाइम से हमें वर्क मिल जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा 60,
और ए की कैपेसिटी कितनी आ जाएगी 12 पंजे 60 तो 5 और बी की 15 चौके 60 तो बी की हो जाएगी 4। अब उन्होंने काम शुरू किया भाई यहां से, टोटल काम अपना कितना है 60 है। दो दिन तक काम किया दोनों ने मिलकर ए प्लस बी ने, ठीक है, ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करे 5 और 4 9, यानी कि 9 × 18 काम तो उन्होंने यहां पर खत्म कर दिया। अब बी चला गया यहां से भाई, तो बच गया कौन ए, और बी चले जाने के एक दिन बाद कौन आ जाता है सी, ए के बारे में कुछ नहीं बोलना तो यानी कि ए लगातार काम कर रहा है। तो इस एक दिन में ए कितना काम कर देगा, ए एक दिन में करता है 5 काम, तो 5 काम और कर दिए यहां पे। अब बाकी जो काम बच गया उसको करेंगे ए और सी मिलकर कितने दिन में, 5 दिन में। अब 5 दिन में करेंगे यानी कि ए भी करेगा सी भी करेगा भाई। अब देखो यहां तक अपना कितना काम हो गया 18 और 5 23, इस काम हो चुका है तो काम कितना बाकी अपना 7 और 5 में से 2 गए तो 3, 37 काम अपना क्या है बाकी है जो ए और सी मिलकर यहां पे करेंगे 37 काम को। अब ए एक दिन में कितना काम करता है 5, अगर अकेला ए होता भी सी और ए करते हैं, सी का तो पता नहीं कितना करता है, ए कितना करता है 5, तो 5 दिन में ए ने कितना काम और कर दिया 25 काम और कर दिया, तो काम कितना बचा 12। तो मतलब ये हुआ भाई इन दिनों के लिए अपना काम कितना बचा था 37 जो ए और सी को मिलके करना था। अब देखो इसमें से ए एक दिन में 5 काम करता है तो 5 दिन में कितने काम कर देगा 25, यानी 37 में से 25 काम तो ए ने किए हैं, तो बाकी के काम कितने बच गए 12, तो ये किसने किए हैं सी ने किए हैं, सी ने किए भाई, दो जने थे, ए ने 25 कर दिए 37 में से, तो बाकी के 12 किसने करे सी ने करे। अब यहां से सी की कैपेसिटी हमें मिल जाएगी क्योंकि हमें सी की कैपेसिटी ही चाहिए, क्योंकि सी के लिए हमें दिन बताने हैं कितने दिन लेगा, टोटल वर्क अपने पास है, सी की कैपेसिटी और चल जाएगी तो सी के लिए हम टाइम बता देंगे भाई। सी की कैपेसिटी अक्षमता निकालनी है तो क्या होते हैं अक्षमता वर्क बटे में टाइम। अब वर्क कितना किया उसने 12 और टाइम कितना लिया है 5, तो सी की कैपेसिटी कितनी होगी 12/5। अब सी के लिए टाइम बताना है तो टाइम क्या होता है, जितना भी वर्क करना है अब उसको पूरा काम करना है यानी 60 काम करना है, किस कैपेसिटी से करेगा 12/5 से, तो 12/5 अब ये पलट जाएगा भी, तो 60 गुणा में कितना हो जाएगा 5/12, 12 × 5 = 60 और 5 × 5 = 25, तो आंसर कितना आ जाएगा सी पूरे काम को कितने दिन में करेगा 25 दिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए और बी किसी काम को क्रमशः 20 और 30 दिन में कर सकते हैं, वे दोनों मिलकर काम शुरू करते हैं और बी काम खत्म होने से 5 दिन पहले काम छोड़ देता है, तो उन्होंने कितने दिन लिख लेना, उन्होंने कितने दिन मिलकर काम किया भाई ये हमें बताना है। या दूसरी बात ये भी पूछी जा सकती है कि कुल काम कितने दिन में खत्म हुआ भाई, तो पहले तो वही करना है, ए और बी दो बंदे हैं उनका टाइम दे रखा है, ए 20 दिन में करता है बी 30 दिन में करता है, तो यहां से वर्क निकाल लोगे तो दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा 60, तो कैपेसिटी कितनी आ गई 20 × 30 = 60 और ये 30 × 60 3 और 2 कैपेसिटी आ गई भाई। अब उन्होंने कहा है कि वह दोनों मिलकर काम को शुरू करते हैं भाई, तो यहां से दोनों ने काम शुरू किया और यहां पे मान लिया काम खत्म हुआ। देखो और क्वेश्चन में क्या था कि इतने दिन बाद काम छोड़ दिया, लेकिन इस बार क्या बोल रहा है कि काम खत्म होने से 5 दिन पहले काम छोड़ दिया भाई, यानी कि अगर यहाँ पे काम खत्म हुआ है यहां से 5 दिन पहले, मान ली कि यहाँ पे काम छोड़ दिया किसने भाई बी ने छोड़ दिया, तो यहाँ पे काम करने वाला कौन बच गया ए बच गया। तो अब हमें बताना भाई कुल काम कितने दिन में खत्म होगा या उन्होंने कितने दिन मिलकर काम किया। ऐसे क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं भाई, पहला तरीका समझे कि लास्ट दिन कितने किसने काम किया, लास्ट के 5 दिन ए ने, ए एक दिन में कितने काम करता है 3, तो 5 दिन में उसने कितने काम किए 15, तो 60 में से 15 काम तो लास्ट के 5 दिन में ए ने किए हैं, तो बाकी कितने बच गए 45, तो ये 45 काम इससे ऊपर ही हुए हैं भाई, यहाँ पे काम खत्म होगा यहां से यहां तक ए ने 15 किए, इससे ऊपर ही बाकी के काम हुए हैं भाई जो कितने 45। अब 45 काम किसने किए हैं भाई, ए और बी ने मिलकर किए हैं, तो मिलकर कितने की कैपेसिटी से करेंगे भाई, यहां तक का काम उन्होंने क्या किया मिलकर किया, तो मिलकर कितने कैपेसिटी किससे करेंगे 3 और 2 5, तो 45 काम करने हैं किसकी कैपेसिटी से 5 की कैपेसिटी से, तो कितने दिन में किए होंगे उन्होंने 9 दिन में, तो यहां से यहां तक के कितने दिन लगे उन्होंने 9 दिन, यानी कि उन्होंने मिलकर कितने दिन काम किया है 9 दिन। अगर पूछे पूरा काम कितने दिन में हुआ भाई पूरा काम, तो 9 दिन तो ये है भाई यहां तक के, और 5 दिन उसके बाद अकेले ने किया,
तो पूरा काम कितना हो जाएगा, 9 प्लस में 5 14 दिन। ठीक है, एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या है वो भी समझ ले अभी। ए और बी ने शुरू किया भी, काम खत्म होने से 5 दिन पहले बी ने छोड़ दिया, तो लास्ट में किसने किया, ए ने। अगर मैं बी से भी ये 5 दिन और काम करवा लूं तो एक्स्ट्रा काम हो जाएगा भाई, क्योंकि इतने में 60 काम पूरा हो जाना है अपना। लेकिन मैं बी से 5 दिन और काम करवा रहा हूं तो वो कितना हो जाएगा, एक्स्ट्रा हो जाएगा। बी एक दिन में कितने काम करता है भाई, 2 काम करता है, तो 5 दिन में कितने कर देगा, 2 गुणा में 5 यानी 10 काम और कर देगा, तो टोटल काम कितना हो जाएगा भाई, 60 तो पहले था, 10 मैंने एक्स्ट्रा करा लिया, तो टोटल काम अब कितना अपना 70। अब क्या हो गया, मैंने बी से आगे भी काम करवा लिया, तो पूरा काम ए और बी मिलकर करेंगे भाई, 70 काम करेंगे भाई ए और बी मिलकर। कितने दिन लगेंगे, ए और बी मिलकर किसकी कैपेसिटी से करेंगे, 5 की कैपेसिटी से, तो पूरा काम कितने दिन में होगा, 14 दिन में। पूरा काम पूछा है तो 14 दिन में। अगर पूछा है मिलकर काम कितने दिन में किया, ये तो हमें पता है कि हमने जबरदस्ती करवाया भाई ये काम, तो यानी कि वैसे मानना है हमने ये किया नहीं है उसने, तो टोटल 14 दिन में हुआ है, 5 दिन ही है, तो मिलके कितने दिन किया, 9 दिन। तो आप दोनों तरीके से कर सकते हैं भाई, या तो ये बेसिक वाला तरीका ठीक है भाई, इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जिसने जितने दिन काम किया उसका उतने दिन का काम निकाल दो भाई, बस इतना ही करना होता है, बाकी कैलकुलेट कर लो तो आपके दिन आ जाएंगे। या फिर लास्ट के 5 दिन बी ने काम छोड़ दिया, तो बी से जबरदस्ती वो 5 दिन के काम और ले लोगे, एक दिन में 2 काम करता है, 5 दिन में कितने कर देगा, 10। टोटल काम 60 था, 10 काम हमने एक्स्ट्रा कराया, तो अब टोटल कितना हो गया, 70। अब क्या होगा कि दोनों मिलके करेंगे लास्ट तक, तो दोनों मिलके किस कैपेसिटी से करेंगे, 5 की से, तो कितना टाइम लेंगे, 70/5 यानी 14 दिन। लेकिन लास्ट के 5 दिन तो सिर्फ ए था, ये तो हमने वैसे मानना है अभी, तो मिलके कितने दिन काम किया, टोटल 14 दिन में हुआ था, 5 दिन ही है, तो 14 माइनस के 5 मिलके कितने दिन किया है, 9 दिन। तो ऐसे भी कर सकते हैं। इस टाइप का भी लास्ट क्वेश्चन है, समझे। ए बी और सी किसी काम को क्रमशः 40, 30 और 20 दिन में कर सकते हैं, वे तीनों मिलकर काम शुरू करते हैं, और काम खत्म होने से, और ये यहां पे आएगा भाई सी, और सी काम खत्म होने से 2 दिन पहले, और बी काम खत्म होने से 4 दिन पहले काम छोड़ देता है, तो काम कितने दिन में पूरा होगा, ये समझे भाई। तो पहली बात तो हमें जो बेसिक करना वो तो करना ही करना है अभी, ए बी सी, ये 40 दिन में करता है, ये 30 दिन में करता है, ये 20 दिन में करता है, तो यहां से वर्क आ जाएगा अपना कितना आ जाएगा, एलसीएम में इनका 120, और कैपेसिटी कितनी कितनी आ जाएगी अभी, 40 तीय 120, 30 चौके 120 और 20 छिक्के 120, ये ए बी सी की कैपेसिटी आ जाएगी। अब इस डायग्राम को समझना आपको बहुत जरूरी है अभी, इसके बिना आप क्वेश्चन नहीं कर सकते, कि उन्होंने तीनों ने मिलकर काम शुरू किया, तो ए बी सी लिखना है, काम खत्म यहां पे हुआ, काम खत्म होने से 2 दिन पहले किसने काम छोड़ दिया भाई, सी ने काम छोड़ दिया, ये कितना है 2 दिन पहले, और काम खत्म होने से 4 दिन पहले भाई किसने काम छोड़ दिया, ये यहां से यहां तक का 4 दिन है, बी ने काम छोड़ दिया, अभी यहां तक सभी काम करते हुए आ रहे थे, यहां पे आके बी ने काम छोड़ दिया था, बचे कौन काम करने के लिए, ए और सी, फिर यहां पे आने के बाद सी ने भी काम छोड़ दिया, तो लास्ट में काम करने के लिए कौन बचा, ए। ये टोटल 4 दिन है, ये 2 दिन है, तो ये भी यहां पे भी कितने हैं, 2 दिन है। अब हमें सिर्फ कुछ नहीं करना भाई, इनका वर्क निकालना है अलग अलग से। देखो भी लास्ट के 2 दिन किसने काम किया, ए ने, ए एक दिन में कितने काम करता है, 3, तो 2 दिन में कितने काम कर देगा, 3 दूनी 6, ठीक है। अब देखो भी उससे ऊपर के 2 दिन किसने काम किया, ए और सी ने, ए और सी मिलके एक दिन में कितना काम करते हैं, 6 3 9, तो 2 दिन में कितना कर देंगे, 9 दूनी 18, तो 18 और 6 कितना हो गया, 24, 24 काम तो ये हो गया भाई, 120 में से 24 माइनस करेंगे तो बाकी का काम कितना हुआ, 96, यानी कि ये 96 काम इन्होंने क्या किया अभी, तीनों ने मिलकर किया है भाई, यहां तक का कितना काम हुआ अभी, 18 और 6 24, तो बाकी का जो भी काम बचा वो इससे ऊपर हुआ अभी, टोटल काम 120 था, 24 माइनस कर दिया, बाकी का ऊपर का काम कितना बचा, 96। अब 96 काम कौन करेंगे भी, ए बी और सी मिलकर करेंगे, तो ए बी सी मिलकर करेंगे तो उनकी कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, 6 4 10 और 3 13 की कैपेसिटी से करेंगे, तो टाइम कितना लगेगा, 96 बटे में 13, ये हो गया 13 97 भाई, और बच गए 5 बटे 13 दिन, यानी ऊपर के दिन अपने कितने हो गए, 7 सही, 5 बटे 13 दिन, और इससे नीचे कितने टाइम लग गया भाई, 4 दिन लगा है, या तो 2 करके 4 कर लो, या टोटल पता में 4 दिन लगा है, तो पूरा काम कितने दिन में खत्म हुआ भाई,
सात सही, पांच बटे तेरह दिन तो ये है प्लस में, उसके बाद चार दिन और लगे हैं तो प्लस में चार। जब भी ऐसे फ्रैक्शन में दे रखा तो सोल्व करने की जरूरत नहीं है जोड़ने के लिए या माइनस करने के लिए। आप क्या करो, जो ये वाला नंबर है इस वाले नंबर में जोड़ दो, यानी टोटल दिन कितने आ जाएंगे, सात और चार ग्यारह, ग्यारह सही पांच बटे तेरह दिन। आप इसको कैलकुलेट सोल्व करके भी जोड़ोगे तब भी यही आंसर आएगा भाई, तो टाइम खपाने की जरूरत नहीं है भाई। सात और चार कितना हो जाएगा, ग्यारह सही पांच बटे तेरह दिन आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप ये डायग्राम समझ सकें इनकी लैंग्वेज से, इसी पे क्वेश्चन बेस्ड है, इससे ज्यादा इसमें और कुछ है नहीं। तो आज के लिए इतना ही, उम्मीद है कि आप लोगों को सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे और आप एक अच्छी तैयारी कर रहे हैं भाई, और आपके साथ साथ आपके फ्रेंड्स या रिलेटिव में जो भी मैथ की एक अच्छी प्रिपरेशन करना चाहता है भाई, उसको वीडियो शेयर जरूर करें और बोले चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो भी नए बच्चे आए हैं चैनल पर पहली बार आए हैं तो वो भी चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।